Friends, how can we justify the moral education, and why is value-based education is an essential part of human life? Value-based education is the voice of silence that commands the human to look inward, because looking within initiates genuine thinking in human. Hence, real education has close attention towards morality and towards one's own thought. Wherever thought struggles to be free from others, opportunity knocks at our door. So friends, this freedom of thought allows the mind to grow independently, and this helps one seeking the self. Hence, moral education is a kind of self-seeking phenomena that stops reacting stimuli from without. Value-based education is a state of mind that initiates one to find his secret self, that refers to one's own perplexity. So friends, it awakens our inner self always. It is a set of quality that brings revolution in thinking process, which is characterized by free speculation on the vastness of space. So it passes through the infinity and time ceaselessly repeated cycle. It cultivates the possibility of intelligence in the unseen uniqueness. It creates an independent thinker ahead of race, presenting ideas commonly accepted by the posterity. So it is a kind of inspiration that stands against all kinds of challenges and values the present scenario, and speaks about the origin and evolution of universe that comes out of loneliness and thought. So let's justify and let's listen to our speakers how this education has a commendable effect on human society. Now I request my students to present the paper on our department. Thank you. Namaskar. सम्मान्य चेयरमैन, सम्मान्य मुख्य अतिथि प्रधान अध्यापक दीपक कुमार पटनायक सर, सम्मान्य समाज सेवा द्वारा बीके सविता मैडम, सम्मान्य एचओडी कामकी प्रसाद दास सर, सेमिनार कोऑर्डिनेटर मिस मिनती पाणिग्रही मैम और यहां उपस्थित सभी छात्र छात्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के वेबिनार सेशन के उपरांश पर मैं सविता आप सभी के समक्ष Why is value-based education an essential part of human life? अर्थात मूल्य आधारित शिक्षा मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग क्यों है? इस विषय पर हमारे विभाग HOD द्वारा तैयार किया गया लेख आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। Why is value-based education an essential part of human life? अर्थात मूल्य आधारित शिक्षा मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग क्यों है? आज हर माता पिता अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं, जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं आगे भी जाता है। माता पिता अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास को देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान प्रतिस्थित वैश्विक परिदृश्य में बढ़ता हासिल करने के लिए यह आवश्यक है। आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि आज की तेज तरार दुनिया में छात्राओं में मानवता के स्पर्श का अभाव है। घातक भरी ये दुनिया हमें अच्छाई की जगह समानता को प्राथमिकता देती है। इसका मतलब है कि कई बार आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गलत कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा संकट है जहां छात्रों में नैतिक मूल्य का अभाव है। यहीं पर मूल्य आधारित शिक्षा समाधान साबित होती है। क्यों स्कूल किताबों के साथ मूल्य आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा किसी के व्यक्तित्व के विकास की एक आजीवन प्रक्रिया है जो स्कूल में शुरू होती है।
छात्रा के करियर के साथ साथ व्यक्तित्व के लिए हर चीज के लिए आधार बनाना स्कूल की जिम्मेदारी है। मूल्य आधारित शिक्षा, इस पर आगे बढ़ने से पहले आइए समझे कि मूल्य आधारित शिक्षा क्या है। मूल्य आधारित शिक्षा एक शिक्षण ढांचा है जिसमें कक्षा में रोल प्ले और पाठ्य पुस्तक के साथ साथ लाइव उदाहरण के माध्यम से मूल्य को पढ़ाया जाता है। यह एक शिक्षा द्वारा बिना शर्त पढ़ाया जाता है जो अपनी छात्राओं को ऐसे मूल्यों के साथ पोषण देने में विश्वास करता है जो उनकी छात्राओं की समग्र भलाई में मदद करेगा। मूल्य आधारित शिक्षा न केवल शिक्षण के लिए है बल्कि सामाजिक और पारस्परिक कौशल की पूरी संकल्प सिखाने के लिए एक सफल वातावरण प्रदान करती है। अब चलिए हम मूल्य आधारित शिक्षा की सहायता और भूमिका किस प्रकार है, मूल्य आधारित शिक्षा छात्राओं को कैसे लाभ पहुंचाती है। लंबे समय में छात्रा अपने काम और अपने जीवन को अधिक गहराई से समझ सकते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा प्रभावी शिक्षा को बढ़ावा देती है और व्यक्तित्व, समाज, नैतिक और आर्थिक कल्याण में निरंतरता सुधार करती है। इसे स्वयं और अपने उत्पाद के लिए आत्म जिम्मेदार को बढ़ावा देने वाली व्यक्तित्व क्षमता में एक मूल्यवान निवेश के रूप में माना जाता है। मूल्यों का स्पर्श शिक्षण पारस्परिक व्यवहार पर बल देते हुए एक सामान्य नैतिक भाषा प्रदान करता है। यह स्वयं विभिन्न व्यवहार के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। दूसरा पहलू, मूल्य आधारित शिक्षा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद करती है। यह बड़े पैमाने पर मूल्य शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रसार करता है। पढ़े लिखे और संस्कारी लोगों दुनिया की चूहा दौड़ी में बदतमीजी करने वालों की तुलना में बेहतर तरीके से जीवित रह रहे हैं। यह बेहतर नौकरी के अवसर प्राप्त करने और जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने में भी मदद करता है। जीवन में मूल्य शिक्षा के कुछ मुख्य लाभ हैं, जैसे कि भविष्य को बेहतर बनाता है, समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है, व्यक्ति का नजरिया बदलता है, नैतिक मूल्य और धैर्य का विकास करता है, चीज़ों को बेहतर और अधिक सटीक रूप से समझने में मदद करता है। यह स्पष्ट रूप है कि मूल्य आधारित शिक्षा बच्चे के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। मूल्य शिक्षा न केवल एक मजबूत चरित्र और मूल्य के साथ एक संतुलित व्यक्ति का विकास करती है बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यक्ति भी बनाती है। नेल्सन मंडेला ने एक बार ठीक ही कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से आप दुनिया को बदल सकते हैं। यह उन्होंने आध्यात्मिकता शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य शिक्षा द्वारा भी ध्यान केंद्रित किया है। तीसरा पहलू, समाज में मूल्य आधारित शिक्षा की भूमिका। भारत में मूल्य आधारित शिक्षा समय की वास्तविकता आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे समाज दिन प्रतिदिन मूल्य के मामले में कम होता जा रहा है, समाज में मूल्यों को विकास करने के लिए कार्यक्रम का विकसित करना आवश्यक है। आज के भारतीय युवा नए तकनीकों, उपकरणों की बमबारी, सूचना विस्फोट और प्रेस और मीडिया द्वारा हिंसक समाचारों के कारण थोड़ा भ्रमित हैं। उनके भ्रमित मन में मूल्य प्रणाली को विकसित करने और उन्हें मूल्य उन्मुख शक्तिशाली नेता बनाने के लिए शिक्षण स्थानों को इस नई पीढ़ी को मूल्य आधारित आध्यात्मिकता ज्ञान प्रदान करने की पहल करनी चाहिए। अच्छे आचरण, आत्मविश्वास और उच्च मूल्यों के गुणों को आत्मसात करने से छात्राओं को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करने में मदद मिलेगी। मूल्यों के बिना शिक्षा बिना सुगंध के फूल के समान है। छात्राओं को यह महसूस करनी चाहिए कि चरित्र निर्माण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ही करियर बनाना। जीवन में एक अच्छा चरित्र अंतिम चीज है जो व्यक्ति के आत्म सकारात्मक को बढ़ाता है, लेकिन आज की पीढ़ी बिना शिक्षा के मूल्य को पकड़ने नहीं जा रही है। हमें इस पीढ़ी को नई तकनीकों, उपकरणों की बमबारी, सूचना विस्फोट और मीडिया द्वारा पकड़े जाने वाले से पहले मूल्य सिखाना होगा। अंत में, जीवन में प्रगति की केवल एक इच्छा या अभिशाप प्रेय नहीं है, सफलता मूल्य पर आधारित होनी चाहिए और उसके लिए आज के स्थानों में मूल्य आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि छात्र अपने चुने हुए क्षेत्र में अच्छे नेता के रूप में उभर सके। धन्यवाद।